जी और दीदी बन गई आज की एंड राधे राधे। तो आज GMM में हमारी छुट्टी कर दी है क्योंकि कल रात को मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश, लेकिन बुधवार ही हुई थी मतलब ठीक है। तो आज का हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं डे। तो अभी हो चुके दिन की 11 बज चुके हैं, 11:30 होने वाले हैं। आज हम करेंगे चैलेंज, फ्लिप द बॉटल चैलेंज करेंगे और उसमें जो भी जीतेगा उसके लिए हम कुछ चिज्जी के पैकेट रख लेंगे। इसमें ये हमारा डुगू भी साथ देगा और ममता भी रहेगी अगर वो फ्री होगी। तो रियल गेम रहेगा, बिल्कुल रियल गेम। तो आप हमारे आज के इस ब्रांड न्यू व्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब हमारा समय हो चुका है चैलेंज करने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी आज घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर दिए थे। क्यों ममता? ये हमारा जो डुगू राजा है वो थोड़ा सा नाराज चल रहा है, उसका थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मीठी के साथ, तो वो अब चैलेंज करने नहीं आ रहा है। और मैंने कहा यार ब्लॉग तो बनाना है, हम तीन तब भी करते हैं, अगर बीच में आ गया तो अच्छी बात है। हम सब एक एक करके इसे स्टार्ट करेंगे और एक बारी में एक ही एक चांस मिलेगा इसको ऐसे करने का और उसके बाद फिर आगे वो बढ़ जाएगा। अगर बार बार मिलेगा तो यार ये सारी चीजें जितनी है ना सब एक ही जना खा जाएगा। शुरू करते हैं आज का चैलेंज। कोई सा भी ले ले। सेकंड राउंड के लिए अरे ये तो हमेशा जीतने में भैया इसने प्रैक्टिस कर रही है लग रहा है। ममता कमॉन एक बार तो जीत। मम्मी ऐसे पकड़ी होता। अच्छा वो कैमरे में नहीं गई वो कर। थ्री स्टार्ट होते हुए। थ्री राउंड और थ्री चीजी है। दो चीज इसी वाले। अरे यार मैं क्यों जीत रहा हूँ? ये नहीं जीती ना इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार थोड़ा सा बढ़िया ऐसा थोड़ी होता है उसके सारे बहुत यार बहुत बढ़िया। मीठी के पास दो चीज है, आप कितना खाएगी? मैं सारी खाऊंगी। ये नटकर सीख गए यार। अब ये है फाइनल राउंड, क्या पता मैं इसमें से लेज ले लूं, लेज ले सकता हूँ अगर मैं जीत गया तो। इसको सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा तो नहीं होगा इसे बोतल। अरे यार ये ले पंजाबी तड़का तो खाती तू। चलो अब ममता और मेरे बीच में भैया कंपटीशन, देखते कौन जीतता है। ममता जल्दी से ममता दो चीजी ले गई और मैं ले गया एक मीठी, ले गई तीन चीजी और मीठी बन गई आज की मीना। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ डुगू के बाल कटवाने, क्योंकि डुगू के बाल हो गए हैं बड़े बड़े। इसकी कंप्लेन आ रही है ना स्कूल से कि इसके बाल कटवाओ, तो कभी मंगल हो जा रहा है, कभी शनिवार हो जा रहा है, कभी इसका जन्मदिन जिस दिन ये पैदा हुआ था संडे को संडे आ जा रहा है, उस दिन नहीं कटाते हैं। क्यों डुगू है ना, इनका 4 बजे ट्यूशन भी है यार, जल्दी जल्दी चलते हैं। चले यार डुगू 4 बजे ट्यूशन है, जल्दी नहीं 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 चल रहे फटाफट बैठो। दोस्तों डुगू को लग गया है गाड़ी, ये स्कूटी में चलते चलते ठंडा और डुगू बैठ गया पीछे। डुगू है इसको बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, कह रहा है पापा यार कार से आते। मैंने कहा यार आप कार तो लाए नहीं, फिर अब चलो कोई नहीं स्कूटी से जा रहे हैं, तो मस्त मौसम हो रहा है। दोस्तों डुगू के बालों की कटिंग हो चुकी है और डुगू बन गया स्मार्ट, यहाँ तो देखिए यार। और डुगू की चुटिया भी सेट करा दी आज, और हमने सब्जी भी ले ली है, ममता भी खुश हो जाएगी। सब्जी नहीं है कहते रहती है,
तो अब चलते हैं घर को। क्यों डुगो, डुगू के ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है ना, तो फटाफट चलते हैं। 4 मिनट हैं 4 बजने में। नहीं बाबा, ऐसी वीडियो बनाते रहो बाबा। चलो अब चलते हैं जल्दी से फटाफट। इसकी दीदी का भी फोन आ गया ना, मीठी का फोन आया था बेटा अभी। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और डुगू चले गया ट्यूशन। जाना नहीं चाह रहा था यार, लेकिन ना अब जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि उसकी दीदी ने उसका बैग पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो जैसे हम स्कूटी से एंटर करने लगे तो उसकी दीदी ने कहा चलो भैया चलो, अब तो ले गए अपने भाई को। और मैं ले आया ये सारी सब्जियाँ, ममता इतनी सब्जी ले आया। तो ममता ने मेरे लिए भून के रखा है एक भुट्टा जो हमारे खुशहाला लोगों के वहाँ से आया है, और ये इसमें लगा रही है नींबू। तो दोस्तों पूजा पाठ वगैरह कर ली है और बच्चों का अब चल रहा है होमवर्क कर रही है मीठी। और डुगू कहाँ गया मीठा? डुगू की फरमाइश में बन रही है फ्रेंच फ्राइज, और डुगू अभी दोबारा से लेने गया है। एक एक प्लेट तो खा लिया, मतलब एक एक बार खा लिया है, अब दोबारा से बनवाने गया अपनी मम्मा से। कुशदत्ता भी आ गए हैं, बहुत दिनों में मिले यार, हैं कुशदत्ता? भुट्टा सही हो रहा है? तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाई जाती है। तो ये ममता बना रही है बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, और शाम के खाने का कोई पता ही नहीं है अभी। बताओ यार बन गया? खीर भी बन रही है अभी। अरे वाह, खीर बन रही भैया, और इसमें डल रहे हैं ड्राई फ्रूट के नाम पे बादाम हैं। आप मेरी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि खीर में पड़ रहे हैं बादाम। और डुगू जोर शोर से पढ़ाई कर रहा है अभी, फ्रेंच फ्राइज भी बन रहा है ये डुगू के लिए। और इसमें से मेरा हिस्सा भी होगा, कुसु दत्ता का भी हिस्सा होगा और अनु दत्ता का भी हिस्सा होगा, ठीक है? अब तुम नहीं खाओगे इतने? हर 10 मिनट में इनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है यार। मीठी तो खा रही है भैया, मेरा साथ देगी। तो दोस्तों आज शाम के खाने में बनी हुई है खीर, आलू गोभी की सब्जी और रोटी और तो मीठी मीठी आप खाना बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है ना। ये तो खीर तो अच्छी हो रही है, उसके साथ साथ आज जो सब्जी है वो भी टेस्टी हो रही है। भाइयों ने तो जल्दी खा लिया यार, हमारे साथ खाता तो मजा आता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आप अब हम आज के ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, करते हैं एंड कर दें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।